সমাগত লোকসভা ইলেকশন আর লোকসভা নির্বাচনে এতিয়া সকলোৱে যে তৎপর হৈ পৰিছে, ঠিক তেনেদৰে লোকসভা নির্বাচনত ধুবুৰীত এতিয়া এক ধৰণৰ যুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই যুদ্ধত এতিয়া কিন্তু নতুন এক দল সংগঠন ইয়াতে দল এতিয়া যুদ্ধ হবলৈ ধৰিছে, নেশ্যনেল ৰোড মেপ পাৰ্টি। আৰু তেখেতে এতিয়া ধুবুৰী লোকসভা নির্বাচন যিহেতু বদরুদ্দিন আজমলো তাতে ধুবুৰী লোকসভা নির্বাচনকে তেওঁ এতিয়া বহুত ৰণডংকা চলাইছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এক নতুন দল ইয়াতে যোগ হবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেখেতৰ তাতে কেনেধৰণৰ যুঁজ দিব বা কেনেধৰণৰ তেখেতৰ কিমানখিনিলৈকে আগুৱাই যাব বা তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কিমান, সেয়ে আমি জানিবলৈকে চেষ্টা কৰিম। বদরুদ্দিন আজমল ভি খেল রা হ্যাঁ, আবি ইস বার আপ লোগ ভি খেলনে জা রহে, তো কিতনা আসা বাকি? আখরি জুমলা ক্যা কাহা আপনে, দোবারা সে বতাইয়ে। লোকসভা নির্বাচন মে আপ চুনাও খেলনে জা রহে, তো ওহাঁ পে তো বদরুদ্দিন আজমল ভি হ্যায়, তো আপ ওহাঁ পে এক সাথ হি খেলেঙ্গে ইয়া ফির কেসে করতে খেলেঙ্গে? নহীঁ নহীঁ নহীঁ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অলগ অলগ। অলগ অলগ। কিতনা আশাবাদী হ্যায় আপ? देखिए, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और लोगों के अगर आपने दिल जीत लिए तो आपने इलेक्शन जीत लिया, और लोगों के दिल नहीं जीते, आप लोगों के दिलों में नहीं उतरे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। बस हमारा जो है वो यही मानना है और यही सोचना है, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हम ना मौलाना बदरुद्दीन को टारगेट कर रहे हैं, ना कांग्रेस के किसी लीडर को हम टारगेट कर रहे हैं, और ना एजीपी और बीजेपी को कर रहे हैं। हम अपना काम करने के लिए आए हैं, हम अपना काम करेंगे, जिस लेवल का भी होगा आगे बढ़ेंगे। अब नहीं तो कल, कल नहीं अगली कल, इंशाल्लाह एक दिन यहाँ कामयाब हो जाएंगे। और उम्मीद ये है कि जैसे हमें रिस्पॉन्स मिला है अभी यहाँ और मिल रहा है, उसके मुताबिक तो ये है कि हार जीत बहुत थोड़े से होगी, ये नहीं कि लाखों में जा कर के होगी, बल्कि सैकड़ों और हज़ारों में जा कर के हार जीत होगी, ये हमने वहाँ एक एनालिसिस किया है। इस बार तो ये नेशनल रोड पार्टी कोई नहीं पहचानते हैं, लोग कैसे क्यों पहचान गए? सब पहचानते हैं नेशनल रोड में पार्टी ऑफ इंडिया को। 2016 में यहाँ हम लोग इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आए, हमने उस वक्त 5 कैंडिडेट यहाँ लड़ाए विधानसभा के, 2021 में हमने 10 कैंडिडेट लड़ाए, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी एक कैंडिडेट उतारा, 2019 में लोकसभा का एक कैंडिडेट हमने यहाँ लड़ाया बरपेटा से, और इस मरतबा फिर कोशिश की है 4 से 5 कैंडिडेट हम लोअर आसाम में और गुवाहाटी में भी कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जो खेल रहे हैं या उद्देश्य क्या है, मतलब लोग आपको कैसे विश्वास करेंगे, मतलब क्या आप क्या लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, लोगों के लिए अगर आपके दिल में दर्द है, कौम का दर्द है, लोगों का दर्द है, समाज का दर्द है, तो समाज और कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो नहीं समझती कि आप क्या कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। सब समझते हैं, अगर वो इलिटरेट भी है, बेपढ़ा भी है, तो भी समझता है कि हमारे हक में ये आए तो बेहतर है या नुकसान होगा। तो ये फैसला तो जनता का है, आवाम का है ये फैसला कि वो किसको आगे भेजना चाहती है और किसको रोकना चाहती है। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, हमें आवाम का और जनता का जो साथ है बहुत अच्छी खासी तादाद में मिल रहा है। अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि 4 कैंडिडेट हैं, चारों कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिला है, इसलिए हमारा हौसला बढ़ा और हमने ये तय किया कि अब इंशाल्लाह यहाँ से धुबरी में खूंटा गाड़ेंगे और यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, और जीत के लोकसभा में जाके यहाँ के लोगों की बात रखेंगे, पूरे आसाम के लोगों की बात रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि खाली धुबरी के लोग, बल्कि पूरे आसाम के लोग, चाहे वो किसी भी समाज से हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हों, हम सब की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएँगे। कि आप लोगों का प्रतीक जो सीन है वो गैस स्टोव है, क्यों, किस लिए? देखिए, गैस स्टोव तो एक आम बात है, आप बगैर गैस स्टोव के खाना नहीं खा सकते, ये लॉजिक है इसके पीछे, और जब खाना आपको नहीं मिलेगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे। गैस की जो लो होती है, यानी फ्लेम होता है, वो फैलता है, इसी के मुताबिक नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया की जो किरणें हैं वो फैलनी शुरू हो गई हैं।
में आप जीतने वाले? मैंने कहा ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा और बराबर की टक्कर रहेगी। ये हमें अपना यानी जो हमने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक हम आपको ये बता रहे हैं। धन्यवाद। मंत्रव्य लगे चेस्ा करबार जीत पुल प्रथम बार 2024 लोकसभा निर्वाचन तहत धुबुरीपर खेल प्रार्थी हिसाब से खेलते सन्मत लैसे मत कर ठीक तैयार देखने पा गई है। एकधरण युद्ध से धुबुरी एकधरण युद्ध देखने पा गई है जीत बदरुद्दीन आजमल तक इलेक्शन खेली आसते निर्वाचन कितना जीत नेशनल रोड पार्टी यार जीत इलेक्शन निर्वाचन तहत जयी हम कैसे तहत आसल बहुत आशादी जोबार लोकसभा निर्वाचन तक জয়ী হবলৈকে সক্ষম হব। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহিয়ে